हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऑनलाइन ट्यूशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मात्र 15 रुपये की होस्टिंग में एक अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ये मात्र 15 रुपये की होस्टिंग है। इस तरह से 15 रुपये में मैंने एक वेबसाइट बना ली है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप मात्र 15 रुपये में एक अपनी इस तरह की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। और हाँ, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है होस्टिंग। वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग, और जो कि फ्री डोमेन मैंने ख़रीदना बता दिया है आपको पिछली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम खरीदते हैं होस्टिंग। होस्टिंग ख़रीदने के लिए देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट है getindiahost.com, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके क्लिक करके डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मात्र देखिए 15 रुपये से स्टार्ट है, और यहाँ पर 15 रुपये मंथ में होस्टिंग मिल रही है। यहाँ पर हम सीधे एक वेबसाइट बना सकते हैं। एक वन क्लिक स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है, इसमें 15 रुपये में दिया जा रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे 15 रुपये की होस्टिंग खरीदते हैं। यहाँ पे देखिए मेन्यू बार है, मेन्यू बार में सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे स्मॉल होस्टिंग। स्मॉल होस्टिंग में हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्लान। यहाँ पे देखिए 15 रुपये मंथली, 1 GB स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए 25 रुपये और 50 रुपये महीने के हिसाब से। हम यहाँ पे देखिए 15 रुपये का ये ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 GB होस्टिंग मिल रही है और 10 GB बैंडविड्थ मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम जाएंगे, अपना एक डोमेन टाइप करेंगे hifimixing.tk। यहाँ पे मैंने एक डोमेन रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पे जाएंगे hifimixing.tk, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। अब सीधा इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक ऑर्डर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है, अगर हम यहाँ पे न्यू कस्टमर है तो हमें न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है। अगर हमने इसमें पहले से अकाउंट बना रखा है तो एग्जिस्ट कस्टमर पे क्लिक करके हम यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें न्यू कस्टमर, तो न्यू कस्टमर के लिए यहाँ पे हम न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम ये फॉर्म फिल कर लेते हैं झट से। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, और यहाँ पे अब हम नीचे जाएंगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड दिया है, प्रमोशनल कोड दिया। अगर प्रमोशनल कोड मिला तो प्रमोशनल कोड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड दिया है, ऑनलाइन पेमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड, ATM, वॉलेट, नेट बैंकिंग का यूज करके हम इसको पेमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा मोजो है, या पेपल से भी हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे नीचे चेकआउट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पेमेंट गेटवे पे हमें यहाँ पे लेकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो टोटल चार्ज जा रहा है वो 17 रुपये 70 पैसे जा रहा है, और यहाँ पे हम एक होस्टिंग खरीद लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे जाएंगे, वॉलेट से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, जियो मनी वगैरह है आपके पास, या फ़ोनपे से भी यहाँ पे कर सकते हैं UPI से, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड से इसको पे कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना डेबिट कार्ड का नंबर डिटेल यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे सिंपली मैं इसको पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना OTP डाल देते हैं। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे पेमेंट ऑर्डर कंप्लीट आ चुका है, ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया है। यहाँ पे हम जाएंगे सीधा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू योर क्लाइंट एरिया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड खुल चुका है, और डैशबोर्ड में हम जाएंगे यहाँ पे सर्विसेज पे, सर्विसेज पे जाके देखेंगे हम। तो हमारी जो सर्विसेज है यहाँ पे देखिए एक एक्टिव है, हमने hifimixing.in पे होस्टिंग खरीदी है, और यहाँ पे हमारा प्लान एक्टिव आ रहा है। हम इसको यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए हमारा जो डोमेन था उस पर होस्टिंग cPanel क्रिएट हो गया है, और हमें यहाँ पे cPanel पे मिल गया है। यहाँ पे हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे,
और एक्टिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से सी पैनल का इंटरफेस मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्शन के नीचे लॉग इन टू सी पैनल। अब यहाँ पे अपने सी पैनल में लॉग इन कर जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह की एक वेबसाइट बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सी पैनल ओपन हो चुका है। तो अब हमें अपनी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है इसमें। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें वर्डप्रेस, वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सिंपली इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन चाहिए, आप यहाँ पे जो वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहें वो वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। किस डोमेन पे आपको चाहिए, आपको वेब डोमेन के साथ क्या चाहिए, HTTP के साथ। यहाँ पे मैं WW से ओपन करवाना चाहता हूँ और ये इस तरह से मेरी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। इसको यहाँ से हम काट देते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम साइट का नाम डाल देते हैं हाईफाई मिक्सिंग। और यहाँ पे हम ब्लॉग का अपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिस बारे में हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे हमें एडमिन की डिटेल टाइप करनी है। यहाँ पे हम अपना जो एडमिन है यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा एडमिन पैनल होगा वेबसाइट का, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए एडमिन @123 ये यूज़र नेम है, अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं अपना एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ और ये हमारे यहाँ पे ईमेल आईडी है। जिस ईमेल आईडी पर आपको डिटेल चाहिए वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश से रहेगा। तो सिंपली अब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। और यहाँ पे देखिए हमें मैसेज मिल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट कई बार देख सकते हैं। देखिए हमारी इस तरह से यहाँ पर कुछ वेबसाइट दिखेगी हमको। यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट ये इस तरह से दिख रही है। अभी हम इसको यहाँ पे देखिए ये हमारी एडमिन का URL है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिन वाले URL पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे वेबसाइट का एडमिन URL खुल जाएगा, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर और हमें इस तरह का जो लेआउट लेना है तो हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आप देखिए अपीयरेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे थीम्स पे। थीम्स पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई थीम पहले से आपने डाउनलोड करके रखी है उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो वर्डप्रेस की तरफ से दी जाती है आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक नई थीम ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करता हूँ और चूज़ फाइल पे जाऊँगा और जो हमारी यहाँ पे वर्डप्रेस की कुछ थीम मेरे पास है इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं, हमारी जो थीम है ये अपलोड हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारी थीम अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, जो थीम है हमारी इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए हमारी थीम यहाँ पे एक्टिवेट भी हो चुकी है और हमसे बोला जा रहा है कि आपको अब इसके इंस्टॉल प्लगइन्स करने हैं। इसके हम प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और सबको इंस्टॉल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे प्लगइन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे जाएंगे रिटर्न पे। अब हमें इनको सबको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया और इधर सिंपली नीचे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से एक्टिवेट और अप्लाई। यहाँ पे देखिए हमारे सारे प्लगइन अप्लाई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे जो थीम है हमने ये थीम वाली अपलोड की है, यहाँ पे जाएंगे इसको करेंगे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे इतने सारे लेआउट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो हमें अच्छा लगेगा हम वो लेआउट यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मैगजाइन का एक लेआउट है उसको ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रहा मैगजाइन का, इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये डाटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसका कुछ सेकंड के लिए वेट करते हैं जब तक कि हमारे डाटा इंपोर्ट होता है, तब मैं आपको फिर साइट अपनी खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा डाटा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारी वेबसाइट, अब अपनी वेबसाइट को
रिफ्रेश करके देखते हैं। आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए हमारी वेबसाइट 15 रुपये में कैसी वेबसाइट बन गई होगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मात्र 15 रुपये में, जैसी मैंने आपको इधर वेबसाइट ये दिखाई है, सेम 15 रुपये में ये हमने वेबसाइट आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो देखा आपने, मात्र 15 रुपये में वेबसाइट हम बना सकते हैं और वेबसाइट बना के हम पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए 15 रुपये में कितनी अच्छी वेबसाइट मैंने बनाई है, कितना अच्छा डिज़ाइन हमें यहाँ पे मिला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।